वाइज न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। तो हिस्टोरिकल व्लॉग के इस सफ़र में मैं आज आपको लेकर आया हूँ आदम खान के मकबरे पर, जिसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। भूल भुलैया किस लिए कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं ये आदम खान के मकबरे का बेहद ही खास व्लॉग। यहाँ पर अगर हम आने की बात करें तो ये है इसका एंट्री गेट, और मेरे पीछे आप देखेंगे मेहरौली बस टर्मिनल बिल्कुल मेरे पीछे ही है। तो मेहरौली बस टर्मिनल से आप यहाँ उतरेंगे और बिल्कुल एकदम सामने ही आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ से एंट्री करेंगे और ये आप ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद क्या व्यू है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा इस यहाँ से ये देखिए ये है इसका भूल भुलैया का पूरा एकदम व्यू। तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको मैं ये दिखलाता हूँ। ये देखिए गाइस, चारों तरफ से एकदम ये सेम है। एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं ये आपको ये मकबरा दिखलाता हूँ अंदर से। तो अंदर जाने के लिए ये स्टेयर्स हैं और इसके सहारे हम ये अंदर जाते हैं। ये देखिए आप, और ये जो मेन मकबरा है ये इस पर लॉक लगाया हुआ है और ये बंद है। तो मेन मकबरा ये इसमें अंदर की साइड है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये इसकी मेन गुंबद है और ये देखिए। ये है मेन मकबरा, ये देखिए आप। तो भाई इसमें मेन एंट्री को इसमें जो है बंद किया हुआ है, लॉक लगाए हुआ है, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये और बताता हूँ इसको भूल भुलैया क्यों कहा गया, या इसमें जो ये आदम खान का जो मकबरा है क्यों बना और किसने बनवाया। एकदम पूरा गोल है ये, और मैं गोल गोल घूमकर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल कुतुब मीनार के पास में है और यहाँ से कुतुब मीनार का भी व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए सामने से यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखता है, जो कि यहाँ से बिल्कुल एकदम पास में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये एक गेट यहाँ पे और दिया हुआ है लेकिन ये भी जो है बंद है। ये देखिए यहाँ से भी एंट्री होती थी काफ़ी टाइम पहले, बट वो भी जो है बंद की हुई है, तो एंट्री नहीं है। सोच रहे होंगे कि ये आदम खान आखिर है कौन। तो आदम खान जो हैं इनका मैं बता देता हूँ, आदम खान जो थे अकबर के सौतेले भाई थे। तो इन्होंने एक ये जो थे अकबर के राज में सेनापति के पोस्ट पे थे, इन्होंने जो था कि दूसरे सेनापति को इन्होंने मार दिया था। अब जब इन्होंने सेनापति को मार दिया फिर इनको जो है अकबर के सामने पेश किया गया, तो अकबर ने इनको भी जो है मारने का आदेश दे दिया। तो इनको आगरा फोर्ट की दीवार से उल्टा गिराने का हुक्म दे दिया गया, सर के बल गिराने का। तो इनको आगरा के किले से सर के बल गिरा दिया गया जिससे इनका इंतकाल हो गया। आदम खान की मौत के बाद उनकी जो माँ थी महाम अंगा, उनका भी इंतकाल हो गया। 40 दिन के बाद उनका भी इंतकाल हो गया।
तो उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उसको फिर यहाँ पर दफनाया गया। 1565 में अकबर ने फिर ये मकबरा यहाँ पर बनवाया था। गाइस, ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये ओक्टा एंगल शेप में बना हुआ है, यानी के अष्ट भुजाओं के शेप में, जो कि मुग़ल डेंसिटी के किसी भी मकबरे से मैच नहीं करता है और मुगल्स के किसी भी मकबरे में ऐसी शेप आपको देखने को नहीं मिलती है। ऐसी शेप मिलती है लोदीज़ के टाइम में, और मुग़ल लोदीज़ को अपना गद्दार मानते थे, उनको अपना दुश्मन मानते थे। आदम खान ने आगा खान की हत्या करके एक गद्दार और एक दुश्मन वाला काम किया था, इसलिए मुगल्स ने उनके मकबरे में ये ओक्टा एंगल शेप का यूज़ किया है। तो आप ये मकबरा देखिए, कितना शानदार मकबरा है। ये देखिए आप, इसमें 8 गेट दिए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल 8ों के 8ों बंद हैं। एक गेट से जो मेन वाला है वो भी बंद है, मतलब फ़िलहाल सभी गेट जो हैं बंद हैं। मेन साइड में बस टर्मिनल है, और इसके बाकी इसके पीछे की साइड आप देखिएगा, पूरा एकदम जंगल ही है, एकदम से पीछे एकदम खाली है। तो दिल्ली में अभी काफ़ी हरियाली बची हुई है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको पास से। तो गाइस, के हर तरफ जो है हरियाली है और एकदम ग्रीनरी एकदम बसी हुई है। मैं आगे चलते हैं तो यहाँ से जो है क्या नाम है, कुतुब मीनार भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। ये भी मैं दिखलाता हूँ आपको, आगे चलते हैं और अभी कुतुब मीनार भी दिखलाता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से कुतुब मीनार बहुत ही प्यारा व्यू कुतुब मीनार का हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ये आप देखिए मेरे पीछे कुतुब मीनार, ये देखिए यहाँ से कुतुब मीनार का एकदम बेहद ही प्यारा व्यू। आदम खान के मकबरे को भूल भुलैया भी कहा जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था, काफ़ी टाइम पहले, मतलब शायद मुग़ल दौर में या उसके बाद कुछ हुआ हो। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक बारात आई थी और वो बारात यहाँ पर रुक गई थी। तो उस बारात में से एक लड़का जो था, यहाँ एक गुफा थी जहाँ अभी ये मकबरा है, इसके नीचे की तरफ एक गुफा थी, तो उस गुफा में वो लड़का चला गया। अब उसको ढूंढने के लिए एक एक करके सारे बाराती वहाँ चले गए और वो बारात पूरी गायब हो गई। जब वो पूरी बारात गायब हो गई और वो बारात नहीं मिली, तो इसीलिए तब से इस जगह को भूल भुलैया भी कहा जाता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी भूल भुलैया इसको कहा गया है। बाहर जो बोर्ड है वहाँ वहाँ पर आदम खान टॉम्स का नहीं बल्कि भूल भुलैया का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों, होपफुली ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।